चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। और क्वेश्चन दे रखा है फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये जो सेट दे रखे हैं इनके यूनियन फाइंड करना है, क्लियर है। तो पहला सेट दे रखा है और उसमें एलिमेंट दे रखे हैं x इक्वल टू 1, 3, 5 और दूसरा सेट दे रखा है y 1, 2, 3। जब इनका यूनियन फाइंड करेंगे x यूनियन y 1, 3, 5 यूनियन 1, 2, 3 क्या होगा भाई इस सेट में? दोनों के एलिमेंट यूनियन बना के एक साथ आ जाएंगे। यूनियन से मतलब ये समझ लिया करो कि यूनियन बनाएंगे अब, मतलब यूनियन का मतलब होता है जैसे लोग मजदूर होते हैं, लेबर मजदूर, ठीक है, फैक्ट्रीज के, वो एक यूनियन बना लेते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई मजदूर उसमें एक मजदूर दो तो नहीं हो जाते हैं। जैसे एक फैक्ट्री में ये वाला मजदूर है 3 और दूसरी वाली फैक्ट्री में भी वही मजदूर है 3, तो अब ये मजदूर एक ही होगा, दो तो नहीं होके आ जाएंगे, क्लियर है। तो क्या होगा, सभी मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे, ये समझ लो। तो 1, 1, 2, 3, 5, ठीक है भाई। इसी टाइप से दूसरा पार्ट दे रखा है, एक साइड दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी साइड दे रखा है ए बी सी। इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो दोनों के एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे, लेकिन जो डबल आएगा उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, क्लियर है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए ई आई ओ यू यूनियन ए बी सी। अब क्या होगा, दोनों एलिमेंट मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट इकट्ठे होके आ जाएंगे, तो ए बी सी ई आई ओ यू, क्लियर। अच्छा, थर्ड पार्ट दे रखा है इसका और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो x इज दैट x इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल और नेचुरल नंबर है, तो 3 का मल्टीपल होता है भाई 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, क्लियर है भाई। अच्छा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, क्लियर। तो नेचुरल नंबर और 6 से कम है तो 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। अच्छा, अब इन दोनों सेट्स के क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो ए सेट रखा है हमारे पास, ए यूनियन बी निकालेंगे, हाँ भाई 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन यूनियन 1, 2, 3, 4, 5। अब ये दोनों सेट्स के एलिमेंट इकट्ठे हो गए आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1, 2, 3, 4, 5 आ गए और ये 3 और 6 आ गई। अब यहाँ से 9, 12, 15 वाले आएंगे, ठीक है भाई, 3 के मल्टीपल आएंगे 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, क्लियर है। अच्छा, अब ऐसे ही स्टेप से ये सेट दे रखे हैं, तो इन सेट्स के भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। सबसे पहले x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6, तो 1 से बड़ा है तो 2, 3, 4, 5, 6 के बराबर है तो 6 भी आ जाएगा, क्लियर है। अब दूसरा वाला सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10 और x इज अ नेचुरल नंबर, तो 7, 8, 9, हाँ भाई इन दोनों का यूनियन अब मैं स्टेप से ना लिख करके एक साथ ना लिख करके अब मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ए यूनियन बी आएगा, वो आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए इक्वल टू सेट दे रखा 1, 2, 3 और बी सेट दे रखा एमपीटी सेट, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो ए यूनियन बी, क्लियर, तो 1, 2, 3 यूनियन, एमपीटी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो अब इनका यूनियन आएगा तो इसके सारे एलिमेंट और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट किसके आएंगे, इसी के एलिमेंट आएंगे, तो 1, 2, 3 ये आंसर हो गए, ठीक है भाई, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि ए इक्वल टू सेट ए बी है और बी सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट ए बी सी है, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
पूछ रहा है क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? अगर है तो यस और नहीं है तो नहीं, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, उसके बाद ए एंड बी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो ए कॉमा बी जो एलिमेंट दे रखे हैं, ए और बी एलिमेंट दे रखे हैं, वो बी में हैं? तो बिल्कुल है, ए और बी दे रखे हैं। अच्छा, तो जब ए के सारे एलिमेंट बी में दे रखे हैं तो क्या होगा कि ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा। तो यस पहला इसका आंसर होगा, यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्लियर। अब उसके बाद ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए दोनों सेटों का यूनियन निकालो, तो क्या होगा, अब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट एक साथ हो जाएंगे, क्लियर है। हाँ भाई, ए बी सी और ए बी सी, तो अब ये ए और बी तो हमने लिख लिए, तो अब क्या रह गया सिर्फ सी, क्लियर है। देखो भाई, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट ए यूनियन बी। कह रहा है कि ए और बी दो सेट्स हैं जिसमें ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी दे रखा है, मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो बी में कुछ ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, क्लियर। जब बी में कुछ ज्यादा एलिमेंट होंगे और ए के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट तो कॉमन होंगे दोनों के अंदर, लेकिन बी में ज्यादा एलिमेंट होंगे तो यूनियन में क्या आएगा, ज्यादा वाले एलिमेंट आएंगे, ठीक है। मान लो किसी फैक्ट्री में तीन वर्कर्स हैं, ठीक है, मान लो किसी फैक्ट्री में तीन वर्कर्स हैं और दूसरी फैक्ट्री में पांच वर्कर्स हैं, जब दोनों यूनियन बनाएंगे तो क्या होगा, तीन और पांच दोनों मिलके आठ हो जाएंगे। लेकिन अगर क्या हो कि जो तीन वर्कर्स हैं ए फैक्ट्री के, जो बी में भी वर्क करते हों, तब वो क्या होगा, जब यूनियन बनाएंगे तो वो तीन वर्कर्स जो ए फैक्ट्री और बी फैक्ट्री दोनों में काम करते हैं, तो वो तो क्या होगा कि एक साथ होंगे, तो दो फैक्ट्री जो दो फैक्ट्री के वर्कर्स थे तो उसमें तीन एलिमेंट कॉमन हो गए, ठीक है। जब तीन एलिमेंट कॉमन हो गए तो क्या होगा कि सिर्फ पांच एलिमेंट आएंगे जो कि वी वाले थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो कि एक फैक्ट्री जिसमें राम श्याम वर्क करते हैं, क्लियर, और एक बी फैक्ट्री है जिसमें राम श्याम और राजू वर्क करते हैं, चलो राजू ले लिया, ठीक है। अब क्या है, राम और श्याम तो ए फैक्ट्री में वर्क करते हैं और वो बी में भी फैक्ट्री में वर्क करते हैं, क्लियर। तो मतलब क्या है, जब इस फैक्ट्री के वर्कर इस फैक्ट्री में भी वर्क करते हैं तो ये क्या हो गए, जब कॉमन हो गए, ठीक है। जब ये यूनियन बनाएंगे तो क्या होगा, राम श्याम तो एक ही बार आएंगे, क्लियर, और राजू और आ जाएगा, क्लियर, जो किसके बराबर है, ये वाला सेट किसके बराबर है, बी सेट के बराबर। तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है ए इक्वल टू सेट दे रखा है, बी इक्वल टू सेट दे रखा है, सी इक्वल टू सेट दे रखा है, डी इक्वल टू सेट दे रखा है, क्लियर है। अब यहां से फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, कुछ पार्ट्स मैंने डू योर सेल्फ के लिए, मतलब अपने आप करने के लिए यहाँ से हटा दिए जिनको आप खुद कर सकते हैं, और फिफ्थ पार्ट दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन डी, क्लियर है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, वन टू थ्री फोर यूनियन बी, थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर। अब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट इकट्ठे होकर के एक सेट में आएंगे जब यूनियन निकालेंगे, तो वन टू थ्री फोर और ये फाइव और सिक्स और आ जाएगा, क्योंकि थ्री और फोर तो इसमें कॉमन है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर। अब ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी, तो वन टू थ्री फोर यूनियन सी सेट के अंदर का है फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर। अब क्या है, जब दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट साथ होकर आएंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर।
अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट देखा ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले पार्ट को अलग से निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो सबसे पहले बी यूनियन सी क्या आया है, तो बी यूनियन सी निकाल लेते हैं अलग से। बी यूनियन सी में क्या होगा, बी और सी के एलिमेंट इकट्ठे होकर के आ जाएंगे। तो 3, 4, 5, 6, 5, 6 दोनों में कॉमन है तो एक बार आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर। तो बी यूनियन सी आया हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ए दे रखा है हमारा 1, 2, 3, 4 यूनियन बी यूनियन सी दे रखा है 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब जब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या होगा, 3 और 4, 3 और 4 तो कॉमन है तो ये तो एक ही बार आएंगे, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप खुद लिख सकते हो, मैंने सिखा दिया आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में दे रखा है क्लियर। जब ए यूनियन बी ब्रैकेट में दे रखा है तो सबसे पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे ठीक है। तो ए यूनियन बी हमने पहले यहाँ पे सॉल्व कर रखा है तो यहाँ से ले लो ए यूनियन बी क्लियर। तो ए यूनियन बी दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन। डी साइड दे रखा हमारा 7, 8, 9, 10 क्लियर। अब जब यूनियन निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब आ जाएंगे क्लियर है। ये हो गए आपके आंसर क्लियर। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है और उससे पहले सेट दे रखे ए बी सी डी जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। तो सबसे पहले इनको रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए, जब रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर सकते हैं क्लियर है। अच्छा तो सबसे पहले ए को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से लेके इनफाइनाइट तक क्लियर। तो ए सेट हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बी सेट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 क्लियर, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन क्लियर। सी सेट दे रखा है, x such that x is an odd natural number, odd natural number होते हैं 1, 3, 5, 7 and so on। D set दे रखा है x such that x is an prime number, तो prime number होते हैं भाई 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on ठीक है भाई। लिखना चाहोगे तो और लिख लेना, जो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो क्लियर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो। तो यहाँ से इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, तो ए साइड दे रखा हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी साइड दे क्या दे रखा है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। हाँ भाई ए साइड दे रखा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन और सी साइड दे रखा है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन क्लियर। अच्छा तो अब कौन बताएगा इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा। देखो भाई ये तो नेचुरल नंबर है और ये ऑड है क्लियर, और इस वाले सेट में 2, 4, 6, 8 को छोड़कर के बाकी सभी एलिमेंट आएंगे। तो जो 1, 3, 5, 7 दोनों में कॉमन होंगे तो इंटरसेक्शन सी में क्या आएंगे, कॉमन वाले एलिमेंट। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन क्लियर। इसको चाहो तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, x such that x is an odd number। नेक्स्ट a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है, तो a इंटरसेक्शन b फाइंड करने के लिए a वाला सेट देखा है 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन b सेट देखा है भाई 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अच्छा ये तो सारे नेचुरल नंबर हैं और ये इवन नंबर है, तो इसमें 2, 4, 6, 8 भी होगा और 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 इसमें तो सारे नंबर होंगे और इसमें क्या होगा 2, 4, 6, 8 तो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 2, 4, 6, 8
10, 12, 14, 17, 14, 16, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं, जब दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो या कोई एलिमेंट सेम ना हो तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्लियर है? तो देखते हैं भाई, पहला पार्ट देखा है, एक सेट देखा 1 2 3 4, और जो दूसरा सेट देखा एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है भाई, तो ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं। तो 4, 5 और 6 के बराबर है तो 6 भी आ जाएगा। क्लियर? अब ये सेट है 1 2 3 4 और ये सेट है 4 5 6, तो इसमें क्या कोई एलिमेंट सेम है दोनों सेट्स के अंदर? तो आप बोलेंगे 4 जो है वो दोनों एलिमेंट के अंदर सेम है। तो जब कॉमन एलिमेंट मिल गया या सेम एलिमेंट मिल गया तो ये दोनों सेट डिजॉइंट सेट नहीं होंगे, तो ये आंसर हो जाएगा नो। अच्छा, दूसरा पार्ट देखा ए ई आई ओ यू एंड जो दूसरा सेट देखा है सी डी ई एफ, तो दोनों के बीच में कोई सेम एलिमेंट है तो आप कहोगे ई सेम एलिमेंट है। तो जब सेम एलिमेंट मिल गया तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। क्लियर भाई? अच्छा, तीसरा पार्ट देखा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड दूसरा साइड देखा है एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो ऑड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7। क्लियर? अच्छा, इवन और ऑड में क्या कोई सेम एलिमेंट मिलेगा? तो आप बोलोगे नहीं। क्लियर? जब कोई सेम एलिमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। क्लियर?